बात जब जनता के सरोकार की होगी तब बात हिंदुस्तान की होगी। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी। स्विस बैंक में जमा ब्लैक मनी की जानकारी जल्द भारत को मिलेगी। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक भारतीयों के अकाउंट से जुड़ी जानकारियां। स्विट्जरलैंड अब आधिकारिक तौर पर भारत को सभी जानकारियां देने के लिए तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर से पहले भारत और स्विट्जरलैंड इन सभी जानकारियों को साझा करेंगे। इसमें खास बात यह है कि सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए स्विट्जरलैंड की संसदीय प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। इस समझौते के तहत अब बैंक से जुड़ी जानकारियां और सूचनाएं शेयर करने का रास्ता साफ हो गया है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुआ समझौता जनवरी 2018 से प्रभावी हो गया है। दोनों देशों ने एटॉमिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि AEOI समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब सुनिए इसके बाद होगा क्या। भारत स्थित फॉरेन टैक्सेशन एंड टैक्स रिसर्च यानी कि FTTR के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के तहत सूचनाएं हासिल करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सभी खास इंतजाम पूरे हो चुके हैं। स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स की सूचनाएं मिलने के बाद इसका मिलान उनके टैक्स रिटर्न से किया जाएगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत समेत 73 देशों के साथ स्विट्जरलैंड का AEOI समझौता हुआ है, इसलिए अब वह उन बैंक खातों की जानकारी इस साल शेयर करेगा। यह समझौता पिछले साल 36 देशों के साथ लागू किया गया है। अब आपको बताता हूं सरकार ब्लैक मनी के लिए क्या स्कीम ला रही है, ध्यान से सुनिए। केंद्र सरकार की मोदी सरकार फिर से ब्लैक मनी रखने वालों को एक और मौका देने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट प्रस्ताव में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 को दोबारा खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए खोली जाएगी जिन्होंने स्कीम के तहत अपनी बेहिसाब संपत्ति का खुलासा तो किया था लेकिन तय तारीख तक टैक्स सरचार्ज और पेनल्टी का भुगतान नहीं किया था। इससे पहले इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 काला धन रखने वाले लोगों के लिए 1 जून 2016 को खुली थी। इसमें लोगों को तय फॉर्म को ऑनलाइन या फिर प्रिंटेड फॉर्म भरकर 30 सितंबर 2016 की आधी रात तक बेहिसाब संपत्ति का खुलासा करने को कहा गया था। तब 64,275 लोगों ने स्कीम का फायदा उठाया था। कुल 65,250 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की गई थी। ऐसे लोगों को इस संपत्ति पर 30% की दर से टैक्स चुकाना था। इस पर 25% का सरचार्ज भी देना था। इसके अलावा टैक्स का 25% पेनल्टी के रूप में चुकाना था। अब आपको ये बताता हूँ ब्लैक मनी क्या होता है, ध्यान से सुनिए ये भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का कहना है कि काला धन यानी कि ब्लैक मनी वह इनकम होती है जिस पर टैक्स की देनदारी बनती है लेकिन उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। किडनैपिंग, स्मगलिंग, पॉचिंग, ड्रग्स, अवैध माइनिंग, जालसाजी और घोटाले, भ्रष्टाचार, पब्लिक ऑफिसर की रिश्वतखोरी और चोरी के जरिए इसे हासिल किया जाता है। इसके अलावा कई बार टैक्स बचाने के लिए इनकम की जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना इस वजह से सबसे ज्यादा काला धन पैदा होता है। 30 सितंबर से पहले अगर जानकारी आ जाती है तो समझो उन लोगों की खटिया खड़ी होगी और जिस जिसका नाम सामने आएगा उनके समूह में हाहाकार मच जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेचने पर विचार कर रही है और ऐसी खबरें हैं कि सरकार ने इसके लिए अक्टूबर तक की डेडलाइन तय की है। बता दें कि संकट के दौर से गुजर रही एयर इंडिया को उबारने के लिए केंद्र सरकार बीते 5 सालों के दौरान 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर चुकी है। बजट दस्तावेजों के अनुसार सरकार ने वित्त वर्ष 2014 और 15 से लेकर 2018-19 तक एयर इंडिया में 24,306 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें बजट प्रावधान भी शामिल हैं। एयर इंडिया में सरकार ने साल 2017-18 में सबसे ज्यादा 6,427 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2019-20 के बजट में सरकार ने एयर इंडिया को 7,000 करोड़ रुपए की रकम वितरित की है। इस बजट में सरकार ने बजट के अतिरिक्त एयर इंडिया को दी जाने वाली मदद को घटाकर 434 करोड़ रुपए कर दिया है जिससे लगता है कि सरकार एयर इंडिया को निजी हाथों में सौंपने का मन बना चुकी है। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में निवेश किए जाने के बावजूद एयर इंडिया ने फाइनेंशियल स्तर पर बेहतरी के संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि ऑपरेशनल स्तर पर जरूर एयर इंडिया का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है, पहले के मुकाबले सुधरा है।
ऐसे में यदि सरकार एयर इंडिया को बेचने का फैसला करती है तो निवेशक एयर इंडिया में किन्हीं कारणों से दिलचस्पी दिखा सकते हैं। निवेशकों के एयर इंडिया में दिलचस्पी दिखाने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है वो है जेट एयरवेज का भारतीय विमानन परिदृश्य से गायब हो जाना। दरअसल जेट एयरवेज की उड़ानें बंद होने के बाद इसका फायदा एयर इंडिया को मिलता दिखाई दे रहा है। सुनिए कैसे। जेट एयरवेज ने मई 2019 के बाद से किसी भी फ्लाइट का संचालन नहीं किया है। इसके बाद से ही एयर इंडिया के ऑपरेशन में बेहतरी आई है। जेट एयरवेज के बंद होने के बाद अभी तक जिस फ्लाइट ने सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है वह एयर इंडिया ही है। एयर इंडिया ने इस दौरान इंडिगो, स्पाइस जेट और विस्तारा एयरलाइंस जैसी प्रीमियम एयरलाइंस को पछाड़कर बेहतर प्रदर्शन किया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने राज्यसभा में बताया कि जेट एयरवेज के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार एयर इंडिया को आवंटित कर दिए गए हैं। इसके तहत हर हफ्ते करीब 11,000 लोग भारत से दुबई और कतर के बीच सफर करते हैं जिनका फायदा एयर इंडिया को मिलेगा। इसके अलावा हांगकांग और सिंगापुर के रूट पर जेट एयरवेज की 3,000 सीटें भी एयर इंडिया को आवंटित की गई हैं। भारत ब्रिटेन रूट की 4,700 सीटें भी एयर इंडिया को ही मिली हैं। इसका असर एयर इंडिया के ऑपरेशन विभाग में दिखा और विमानन कंपनी ने इस विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ ही डोमेस्टिक का फायदा भी एयर इंडिया को मिलेगा। डोमेस्टिक के 22 रूट एयर इंडिया को मिले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य में एयर इंडिया ऑपरेशंस के साथ ही फाइनेंशियल विभाग में भी बेहतरी कर सकता है। ऐसे में एयर इंडिया को लेकर सरकार के अगले कदम पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत अलगाववादी आसिया अंद्राबी के एक मकान को जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद अंद्राबी की आवासीय संपत्ति आतंकवाद संबंधी निधि से खरीदी गई थी। मकान को गैर कानूनी गतिविधि यानी कि निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया। NIA के ऐसा करने के बाद आसिया अपनी यह संपत्ति तब तक नहीं बेच सकती जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती है। इस कार्रवाई को लेकर NIA का कहना है कि आसिया के घर की तलाशी नहीं ली गई। मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन को लेकर उनकी इस संपत्ति को अटैच किया गया है। पिछले महीने NIA ने आरोप लगाया था कि आतंक के वित्त पोषण के लिए कट्टरपंथी अलगाववादी नेताओं को विदेश से मिलने वाले पैसों से अलगाववादी नेता संपत्ति खरीदने से लेकर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने में भी खर्च करते हैं। जांच में आसिया ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें विदेश से चंदा मिलता रहा है और दुख्तरान ए मिल्लत घाटी में मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रदर्शन भी कराता आया है। अब आपको ये बताता हूँ कौन है आसिया अंद्राबी। सुनिए, NIA ने जिस आसिया अंद्राबी पर शिकंजा कसा है उसे कश्मीर की पहली महिला अलगाववादी नेता माना जाता है। आसिया महिला संगठन दुख्तरान ए मिल्लत की संस्थापक हैं। हालांकि भारत सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगा रखा है। पाकिस्तान का कुख्यात आतंकी हाफिज सईद आसिया को अपनी मुंह बोली बहन मानता है। आसिया का संगठन दुख्तरान ए मिल्लत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का महिला धड़ा है। 56 वर्षीय आसिया पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप है। आसिया अंद्राबी पर हर 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर में पाकिस्तानी झंडा फहराने, घाटी में लड़कियों को सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए भड़काने सहित कई मामले दर्ज हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण खबर। अब आपको बताता हूं आज का इतिहास। 1246 में आज के दिन नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। 1966 में आज के दिन वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का महाराष्ट्र के नासिक जिले में निर्माण शुरू हुआ था। 1986 में आज एक दिन भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर लॉर्ड्स में पहली टेस्ट जीत हासिल की थी। 1999 में जिनीवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। 2003 में आज एक दिन नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च हुआ था। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ, नए इतिहास के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज के हिंदुस्तान की और आपके सरोकार के, जिसमें हम आपको इसी तरह से सच्चाई दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।